अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेबास किचन। आज मैंने बनाया है पाव भाजी। होटल में जो हम पाव भाजी खाते हैं वही स्टाइल से मैंने बनाया है घर पे। तो चलते हैं फिर पाव भाजी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। मैंने ये वेजिटेबल्स लिया है जिसमें है कॉलीफ्लावर, ये पूरा पाव किलो लिया है। गाजर लिया है दो ये साइज़ के, टमाटर लिया है चार, फरस बीन 100 ग्राम तक का लिया है, और चार आलू पोटैटो, और मैंने लिया है वटाना 100 ग्राम ग्रीन पीस। अब इन सबको हमें बॉईल करने के लिए कुकर में डालना है। हम इसे बॉईल कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को मैंने एक थोड़े थोड़े हिस्से में कट किया है, और इसमें मैंने ऐड किया है 3 हरी मिर्ची। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। वटाना भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, एक गिलास तक का पानी आप यूज़ कर सकते हैं, आधा गिलास तक का, आधा से एक गिलास तक का यूज़ करिए। अब ऊपर से हम थोड़ा डालेंगे, भाजी में भी टेस्ट होना चाहिए, तो थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच हल्दी और नमक, थोड़ा सा हैज़ पर टेस्ट चेक करके हम डालेंगे। अब हम कुकर का लीड बंद करके इसे बॉयल करने रख देंगे। बॉयल करते समय हमें सीटी लेना है 3 से 4 फास्ट पे ही, और हमारे भाजी को बॉयल करना है। अब हमारा भाजी जो है बॉईल हो चुका है, देखिए। अब इसके मदद से हमें भाजी को स्मैश कर लेना है। इतना स्मैश करना है कि एकदम पतला पेस्ट ना हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको चम्मच की मदद से और इसके मदद से थोड़ा सा स्मैश कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कितना स्मैश करना है। अभी ये थोड़ा बहुत स्मैश हो चुका है, बहुत गर्म है तो मैं थोड़ा स्मैश बाद में करूँगी। मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई को गरम पे रखा है, और इसमें 2 गुंडा जो मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ, 2 गुंडा भर के तेल यूज़ करूँगी बस। अब इसमें ऐड करना है हमें प्याज, जिसको मैंने चॉप करके रखा है। एक बड़ा प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप करके रखा है। अभी इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई हमें इतना करना है कि हमें रेड नहीं करना है, हमें इसको सॉफ्ट करना है, थोड़ा पिंकिश। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा हमें इसमें डालना है टमाटर, जो हमने एक बड़ा टमाटर लिया है उसको बारीक चॉप किया है। भाजी देखिए इतना तक का पेस्ट बनाइएगा भाजी का, बस ज़्यादा पतला पतला नहीं। अब टमाटर ऐड कर देंगे, एक बड़ा टमाटर रहिए, इसे भी मिक्स करना है हमें। और अभी इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम पूरा चम्मच भर के नहीं डालेंगे, देखिए इतना ही डालेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद हमें इसे भी अच्छे से मिक्स करना है, भून लेना है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने बॉईल में भी डाला है, अब इसमें भी डाल रहे हैं। अब कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची डाला है मैंने, ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, 1 चम्मच, 2 चम्मच कट कट भर के धनिया पाउडर, और हल्दी 1/2 चम्मच, और इसमें डालेंगे हम पाव भाजी मसाला 1 पैकेट, छोटा सैशे पूरा डालेंगे हम, ये 5 वाला है सैशे, ये पूरा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये क्या है, पाउडर मसाले है ना, तो थोड़ा जलता है जल्दी से, तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्ची कैप्सिकम, इसको हमने बारीक सा कट किया है, देखिए एक बड़ा कैप्सिकम है, इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे सॉफ्ट होकर अच्छे से मसाले को भुनने देंगे। जैसे ये भुन जाता है, देखिए जैसे ये भुन जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा था, उसका पेस्ट बनाया है, स्मैश करके रखा है, वो पूरा भाजी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि जो ये कलर है चेंज होगा। अभी देखिए कलर चेंज हो जाएगा, मैजिक। अब हमारा पाव भाजी लग रहा है ना एकदम मज़ेदार। अब इसे ना हमें थोड़ा सा बॉईल होते रहने देना है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे एज़ पर टेस्ट, ये लास्ट नमक का ये है। अब इसमें ऊपर से हमें डालना है थोड़ा सा बटर, बटर मैंने 2 चम्मच बटर यूज़ किया है, बहुत टेस्टी लगता है बटर जब आप पाव भाजी में यूज़ करते हैं। बटर डालने के बाद 2 चम्मच डालूँगी, हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स करना है, हमें घोटते रहना है। पाव भाजी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। अभी हमें इसमें एक लास्ट स्टेप है, जो है लेना है थोड़ा सा बॉईल, थोड़ा सा पाव भाजी में बॉईल आने देंगे और हमारा पाव भाजी फिर एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा, माशाल्लाह। अब दूसरी ओर भाजी रेडी हो गया है, अब हम बनाएंगे पाव का मसाला। तो पाव का मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच बटर, बटर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे,
उसमें डालेंगे थोड़ा सा कोथमीर बारीक चॉप किया हुआ और कश्मीरी लाल मिर्ची, तिक्की मिर्ची नहीं यूज़ करेंगे। ये ऐड करके हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है बटर में, इसे अच्छे से फैला लेना है थोड़ा सा। अब हम इसमें ऊपर डालेंगे पाव और पाव में पूरा ये मसालों को मिक्स करना है, घुमा लेंगे हम अच्छे से। अब पूरा मसाला पाव में अंदर लग गया है, अब आगे पीछे करके पाव को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हमारे भाजी का पाव भी बन गया है और एकदम परफेक्ट भाजी भी बन गया है। अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। अब मैंने सर्व कर लिया है, मैंने सर्व करते समय इसमें इसको सर्व किया है प्याज के साथ, कोथमीर के साथ, लेमन के साथ। इन सब चीज़ों के बगैर तो पाव भाजी टेस्टी लगती नहीं और कोई खाएगा भी नहीं। मैंने सर्व कर लिया है पाव भी, आपको बता रही हूँ एकदम टेस्टी यम्मी पाव भाजी बनाता है, एकदम परफेक्ट। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरी ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने फैमिली मेम्बर्स के साथ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।